पॉलिटिसाइज होने का मतलब है कि आप अपनी अपने मुल्क के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में आप केयर करते हैं और उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह तुलबा यूनियन बहाल होंगे और ये जो इनकी सारी डिमांड्स है जो इंक्लूसिव है, वो औरतों के बारे में भी बात करती हैं। औरतें किस तरह हरास होती हैं कैंपसेस पे, किस तरह औरतों को सर्वेल किया जाता है कैंपसेस पे, ये सब जो है ये प्रोग्रेसिव एजेंडा है इनका। और हमें सबको, पूरे पाकिस्तान को इन तुलबा की आवाज़ सुननी चाहिए क्योंकि अब वो इतनी बुलंद हो चुकी है कि कोई उसको अब इग्नोर कर ही नहीं सकता। वो स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हक के लिए यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट से निगोशिएट कर सकें और एजुकेशन का मेयार को इस मुल्क में बेहतर बनाया जाए। इस मार्च के लिए आपने जैसे कि देखा है कि बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में, लेकिन सबसे इस मार्च के बारे में जो बेहतरीन बात है वो ये कि इस मार्च की नुमाइंदगी जो कर रही है वो ख़वातीन, फौजा सरा कम्युनिटी और इस तरीके के बहुत ज़्यादा जो है माइनॉरिटीज़ वो आपको इस मार्च में नज़र आए। तो हमारी जो गवर्नमेंट से जो मुतालबात हैं वो ये कि स्टूडेंट्स यूनियन को यहाँ पे खोला जाए और स्टूडेंट्स के लिए जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। इस वक्त हम यहाँ पे मार्च में मौजूद हैं और क्योंकि ये इस वक्त की अहम ज़रूरत थी इस मौके पर आना और इस मार्च में शिरकत करना। यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट अपनी अपनी यूनियन से आए हुए हैं और अपने अपने प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल यहाँ पर हूँ, मैं कराची से मुझे यहाँ पर आना हुआ क्योंकि मुझे इस वक्त लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर क्योंकि हम पंजाब असेंबली के बाहर कर रहे हैं और फैसले हमेशा से फेडरल से होते हैं, तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो एक हाथी के कान में जो सोई हुई है वो उठेगी और उसे पता चलेगा कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम बाहर निकले। मशाल खान जो था वो खुद अकेला निकला था हमारे इलाके में, तो उसको मैंने बोला ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि ये पहला कदम उठाना मुश्किल है। पहला कदम उसने उठा लिया और अब जो है ना वो मशाल तो इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो हालात दोहराए जा रहे हैं कम अज़ कम तलबा की तरफ से अपने हुकूक के लिए, राइट्स के लिए, कि जो सन 1968 नवंबर में हुआ था। हम यही कहते हैं कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद का तार नहीं कटना चाहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हालात जो है ना ज़रूर जो है ना डेमोक्रेसी की तरफ और इस तरफ जो कोई फलाई रियासत की तरफ जाएगा। बात वहाँ तो पहले ही जो है बहुत ज़्यादा लड़कियाँ बहुत कम निकलती हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे कबायली सिस्टम है, वहाँ पे उनका निकलना ही मुश्किल है। और दो चार परसेंट अगर लड़कियाँ निकलती हैं तो उनको आप वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिलिट्री भी है, ठीक है, फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद खुफिया कैमरे लगते हैं, ठीक है। आप जो है वहाँ पे ऐसे हरेसमेंट के केसेस देखते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया जाता है कि भाई आप इसका कोई हल निकालें, ठीक है, बच्चे हड़ताल पे निकलते हैं तो क्या किया जाता है कि वीसी को वहाँ से मुअत्तल करके लाहौर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं बजाय उनके मुतालबात मानने के वहाँ पे आप यूनिफॉर्म मुतारफ कराते हैं कि ताकि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आते हुए पहचाने जाएँ। ये कौन सा हल है? हमारी डिमांड ये है कि बजाय आप उन मसाइल को हल करने के, ये कौन से नए तरीके हैं जो अपना रहे हैं? इस सारे मुतालबात को तबकाती निज़ाम तलीम है, यूनियन साजी की बहाली हमारा बेसिक मुतालबा है, एफिडेविट को ख़त्म किया जाए, ये हमारा मेन पॉइंट है। इन मुतालबात के साथ आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि तलबा कितनी बड़ी तादाद में आज निकले हैं। तो हम 53 जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, ये सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं हो रहा, ये 53 जो हैं उन शहरों में हो रहे हैं। और हम तोको करते हैं कि अब हमें गवर्नमेंट से एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और यूनियंस को बहाल कर दिया जाएगा। ये जो तलबा यकजहती मार्च है, ये आज के दिन 29 नवंबर को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुनक़द किया गया है, जिसमें 55 से ज़ायद लोकेशंस में ये मार्च हुआ है और उसमें एक बड़ी तादाद लोकेशंस की सिंध में शामिल है। उसकी वजह ये है, उसमें सिंध में ज़्यादा लोग इसलिए, तलबा इसलिए निकले हैं ज़्यादा जगहों पे क्योंकि सिंध के मसाइल इतने ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बंदे के पैसे देखकर ही वो अपनी तहरीक चला सकता है। एक बंदा अगर अमीर हो या एक बंदा गरीब हो, वो किसी के लिए भी आवाज़ उठा सकता है। जैसे मैंने ये बैनर उठाया हुआ है स्मोकिंग के लिए, मैं एस्थमेटिक नहीं हूँ लेकिन मैंने एस्थमेटिक लोगों के लिए उठाया हुआ है, मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले लोगों के लिए उठाया हुआ है। अगर अमीर उठ भी जाते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गरीब तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो अमीर तबके से ताल्लुक़ भी रखते हैं, और मैं खुद मिडिल घराने तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ।
हमारे हॉस्पिटल के अंदर बहुत स्मोकिंग होती है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी पेशेंट या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट स्मोकिंग से अफेक्ट हो। और हमारे कॉलेज के अंदर आप स्मोकिंग सूंघे बगैर नहीं चल सकते। और मेरी फ्रेंड का भी एक एस्थमेटिक अटैक हुआ है और फिर मैं ये नहीं चाहती कि हॉस्पिटल के अंदर आके किसी और को एस्थमेटिक अटैक हो। सिंध के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इसी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स निकले हैं सिंध में, कश्मीर में। और हम इस मार्च को एक हम समझते हैं कि आगाज़ है उस तहरीक का जिसको हम आगे लेके जाएंगे। अपने तमाम जो मुतालबात हैं उनको हम रखते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। ये सिर्फ एक आगाज़ है और हम अपने मुतालबात के ऊपर भरपूर जदोजहद करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम डॉक्टर आलिया हैदर है और मैं डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक एक्टिव मेंबर हूँ। दूसरा मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव और अबू बकर की भी मेंबर हूँ जिन्होंने मार्च किया है। ये मार्च जो है सिर्फ जो है पप्पू बर्गर बच्चों ने नहीं किया है, जो लेदर जैकेट पहनते हैं या जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि लम्ज़ एल सी है, ये तलबा ने निकाला है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने ये मार्च निकाला है। ये इस मार्च में जो है गरीब तबके से लेके हर तबके के लोग हैं। अगर अमीर तबके ने मार्च निकाला है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट कोई तो आवाज़ उठा रहा है तलबा स्टूडेंट्स के लिए, उनकी आवाज़ बन रही है। दूसरा ये है कि ये जो मार्च है कलेक्टिवली डिफरेंट सूबों के स्टूडेंट्स ने अरेंज किया है, बलूचिस्तान में भी एसओ ने किया है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, हैदराबाद, हर जगह में ये मार्च हो रहा है। और इस मार्च का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए है, कैंपस में हैरेसमेंट के खिलाफ है, HEC से जो बजट कट्स हुए एजुकेशन में तो स्टूडेंट्स के उसमें जो है एजुकेशन स्कॉलरशिप्स उनकी डिक्रीज हुई है, तो ये सब मार्च उस चीज़ के ख़िलाफ़ है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट जो है अपर क्लास के हैं कि लोअर क्लास के हैं, वो स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट्स अपने हक के लिए निकले हैं। क्योंकि हम जो है ये एक हम यहाँ पे सोशलिज्म तबकाती बराबरी चाहते हैं कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, इवन गरीब के बच्चे भी जो है ये मुल्क चला सके। क्योंकि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी आए और वो जो है अपना हुकूमत चला सके। 60% जो है इस मुल्क की पॉपुलेशन स्टूडेंट्स है और उन स्टूडेंट्स की जो है रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, तो स्टूडेंट यूनियन बहाल करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को आने दें। अगर वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने के भी वो हक पूरा पूरा रखते हैं। ये जो अभी यहाँ पे इतना मजमा इकट्ठा था वो सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं था, यहाँ पे मज़दूर तबका भी था जो कि बहुत बड़ी तादाद में थे। उसके बाद यहाँ पे सभी तरह के भट्टा वाले भी और ये रिक्शा वाले भी सभी यहाँ पे थे क्योंकि वो अपना हक चाहते हैं। इस बेस पे आप सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, बहुत आवाम थी, इतनी आवाम इस जितना इसको स्ट्रांगली रोकने की कोशिश की जा रही थी उस बेस पे अगर देखा जाए तो बहुत आवाम थी और ये बहुत प्लस पॉइंट था। ये कहें कि हाँ जी जब इसके बाद ये रुक जाएगा तो ये रुकने वाला तो नहीं है ना, क्योंकि अगर ये अब यहाँ पे शुरू किया गया है तो ये रोका थोड़ी ना जाएगा, इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा और इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ता भी जाएगा। जमीयत को अगर देखा जाए तो वो अगर अपने काम कर रही है तो उनको रोका नहीं जा रहा, उन पर बस एक बात उनको कही जा रही है कि यार ये गलत है और ये सही है, तो बस इसको देखें ना, कंपैरिजन करने की ज़रूरत है बस और कुछ नहीं। आप वो अब मुसल्लत करते हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं, दैट्स इट। हम किसी भी इदारे से या किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हम लोग तलबा हैं और हमारा जो मेजर गोल है वो ये है कि हम लोग तलबा यूनियन की बहाली चाहते हैं। और मेरा जो मेजर गोल है वो ये है कि मैं फ़ीसों में कमी चाहती हूँ, 1.5 लाख दे के मैं एक सेमेस्टर नहीं पढ़ सकती हूँ। बेसिकली मेरा मेजर गोल यहाँ पर आने का ये है कि प्लीज़ हमारी फ़ीसों में कमी करें। बहुत शुक्रिया।